हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मेथड को डिस्कस करेंगे जिससे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल पाएं। बेसिकली वी आर गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड ए बी सी आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी सी एंड ए बिलोंग्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और इसका जो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे दैट कैन बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द रियल रूट्स एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, इसके बाद हम कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि कब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, कब उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर उसके रियल रूट्स हैं तो कब दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे, कब दोनों रूट्स नेगेटिव होंगे, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव कब होगा, कब उसमें इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने ए से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मैं यहां देखूं तो मुझे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स ये टर्म दिख रही है, और मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स का जो कोफिशियंट है, ठीक है, इसके हाफ का स्क्वायर का मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन करूंगा। तो यहां पर इसके हाफ का स्क्वायर, ठीक है, इसका हाफ ये हो गया स्क्वायर, इसके स्क्वायर का एडिशन और यहां मैंने सब्सट्रैक्शन करा। ठीक है, और बाकी सब टर्म मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, टू इंटू बी बाय टू ए एक्स, और यहां हम इजिली इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाय ट्वाइस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाय ए। ठीक है, अगर इन दोनों टर्म्स को मैं अरेंज करूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इस टर्म को अगर मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। नाउ दिस एक्स माइनस एक्स प्लस बी बाय टू ए वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस टर्म विद प्लस एंड माइनस। ओके, नाउ ये जो डिनोमिनेटर में फोर ए स्क्वायर है इसको मैं इस अंडर रूट के बाहर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फोर ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर जाकर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, अब ये बी बाय टू ए में यहां पर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, सो एक्स वुड बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ट्वाइस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। ठीक है, और इसे हम कंबाइन करके लिखें तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए। ठीक है, आप प्लस साइन यूज करेंगे तो आपको एक रूट मिल जाएगा, माइनस साइन यूज करेंगे तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। लेट एक्स वन एंड एक्स टू आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो एक्स वन वुड बी इक्वल्स टू इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले प्लस लेंगे तो उसे एक्स वन बोलेंगे, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय ट्वाइस ए। ठीक है, एंड एक्स टू वुड बी इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए। ओके, तो ये दोनों रूट्स आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए के रूट्स निकालने में आपको काम आएंगे, ठीक है। और अभी भी हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकते हैं, मैं इसे रब कर देता हूं, ठीक है। हमने x1 और x2 की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब x1 को मैं लिख सकता हूं ऐसा माइनस बी बाय टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए, ठीक है। ऐसे x2 को भी मैं लिख सकता हूं माइनस बी बाय टू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय ट्वाइस ए, ठीक है। अगर मैं x1 प्लस x2 को ऐड करना चाहूं तो ये हो जाएगा x1 की वैल्यू ये है माइनस बी बाय ट्वाइस ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए प्लस x2 की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस बी बाय ट्वाइस ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय ट्वाइस ए, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट हटाऊं तो ये एज इट इज आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और x1 प्लस x2 वुड बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ट्वाइस ए माइनस बी बाय ट्वाइस ए दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। तो x1 और x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस बी बाय ए, ओके। अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालना चाहूं x1 इनटू x2 दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू टर्म्स दैट इज माइनस बी बाय ट्वाइस ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए इनटू माइनस बी बाय ट्वाइस ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ए, ठीक है। अब यहां पर मैं इजिली अगर मैं इसे एक टर्म मानू और इसे दूसरे टर्म मानू, ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे फॉर्मूला दिख रहा है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जो कि क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय ट्वाइस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय ट्वाइस ए का होल स्क्वायर, ओके, जिसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर, ओके। और अगर आप इसे सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए सी बाय 4a स्क्वायर, दिस एंड दिस वुड गेट कैंसल, 4a से 4a कैंसल और यहां पर बचेगा c बाय a, ओके। सो दिस विल बी इक्वल्स टू c बाय a, ठीक है। तो जो दोनों रूट्स है उनका प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल्स टू c बाय a, ठीक है। और अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो और अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और ये प्लस बी बाय ए को मैं ऐसा लिख दूं माइनस ऑफ माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब माइनस बी बाय ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं एक्स वन प्लस एक्स टू, सो दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स प्लस एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू जीरो, ओके। तो जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर है माइनस बी बाय ए के और उन रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है सी बाय एक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी है उसे हम और आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को के रूट्स आप कैसे फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, और वही फॉर्मूले के हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आज इस वीडियो में देखें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ हम देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल कब होंगे, इमेजिनरी कब होंगे, रूट्स पॉजिटिव कब होंगे दोनों, रूट्स नेगेटिव कब होंगे दोनों, रूट्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब होगा। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।